स्वर सागर संस्थान के द्वारा ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में महिलाओं के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सदर सांसद रवि किशन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने जनपद से 100 से ज्यादा महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि यह बहुत ही अच्छा कार्य है। पीएम मोदी के संसद में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर का बिल आया है, वहां पर 33% आरक्षण होगा। पूरे देश में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर में यह सुंदर कार्यक्रम करवाया गया। यहां पर आकर मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं। यहां पर हर घंटे में 100 महिला सम्मानित होंगी। इसमें अगल बगल के जिलों की महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। यह संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जो कि आरएसएस व भाजपा के साथ जुड़कर अच्छा कार्य कर रही है। ये पीएम मोदी के कार्यकाल में हो रहा है। इसी को राम राज्य कहते हैं। यहाँ महिलाओं को हमेशा दबाया जाता है और कुचला जाता है। आज महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, महिला को पुरुषों के साथ उसी श्रेणी में रखा जा रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांतो वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिन्यै नमः। ओम चंद्रमा अभी हम लोग खरीदेंगे। ऐसा है ना, बारी बारी आएंगे तो सबको फोटो आ जाएगा। ऐसे आप हमारी सभी सखियों, मैं चाहती हूँ कि एक बार गरिमा बनाए रखे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, ये बहुत सुंदर सोच रहती है और हमारी ये सनातनी सोच है कि आज महिलाओं का सम्मान यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट में 33% ऑफ रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिए। जम्मू कश्मीर का बिल आया, 33% रिजर्वेशन वहां पर भी होगा। तो हमारे यहां जैसे आज मेरी बेटियां हैं या पूरे देश में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, आभार अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, गोरखपुर में ये सुंदर कार्यक्रम करवाया गया जहां पर मुझे सम्मिलित किया गया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं और एक 100 महिला हर एक घंटे बाद यहां पर जुड़ेंगी, तो पूरे जिले की महिला अगल बगल से भी आ रही है। अगल बगल के जिले की महिलाएं भी आ रही है और उनको अपने जीवन में जैसे उन्होंने योगदान दिया है समाज सेवा में, उन सारी महिलाओं को सम्मान रखने के लिए ये हमारी विचारधारा वाली संस्था है। और वो विचारधारा की संस्था हमेशा वो आरएसएस संघ से जुड़ी रही संस्था, भाजपा से जुड़ी रही और मानवता से जुड़ी हुई संस्था है। ये मेरे नए भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। इसी को रामराज्य कहते हैं। जहाँ महिलाओं को हमेशा दबाया जाता था, कुचला जाता था, आज महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, पुरुषों के साथ उसी श्रेणी में रखा जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत स्वाभाव, मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब भी महिलाओं के प्रति कोई भी सोच या कोई भी कार्यक्रम होता है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं उसमें सम्मिलित रहूँ।